रॉबर्ट ने मुझे बहुत हेल्प करा क्योंकि मेरे बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं जब एक्चुअली बताऊँ, मैं रियल लाइफ में बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर मैं किसी को दोस्त मान लेती हूँ तो मैं उनके लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर से रिश्तेदार आए हैं। तो हाँ, मुनव्वर ने मुझे बहुत हेल्प करा क्योंकि मेरे बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप लोग टीवी पे देखते हो ना, तो जब कोई लड़ता है ना तो अलग आवाज़ें हो लगती हैं, बट जब आप वहाँ पे बैठ के फील करते हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो वहाँ पे था। उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे। आई थिंक तहलका भाई हमेशा था, मेरे पूरे जो जिनको मैं कहती हूँ माइके वाले, वो सब थे वहाँ पे। अरुण भाई थे और बहुत सारे लोग थे। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। कुछ लड़ाइयाँ हुई, बट जहाँ तक आप बोल रहे हो कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से तो मैं कभी काम भी ना करूँ। जो काम पसंद होता है रियल लाइफ में भी वही काम करती हूँ सिलेक्टेड। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी बिग बॉस के घर पे कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियाँ चेंज कर ली। अच्छा, तो मैं सीधा बोलती हूँ, मैं इतनी कोई परफेक्ट लड़की नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं ऐसी सी ही हूँ। अगर मैं किसी के साथ 6 घंटे कहते हैं अनुराग के साथ बैठ के बातें करी थी, तो ऑफकोर्स अगर मुनव्वर और अनुराग दोनों ही मेरे दोस्त थे शो में, तो ऑफकोर्स दोनों की एक आधी बात आई होगी इधर से उधर। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग है, बिकॉज रियल लाइफ में भी आप सबके साथ होता होगा ना। अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो आप इधर की बात थोड़ी उधर, उधर की उधर, ऐसा नहीं। उन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो लोग भी आपस में, उनका भी कोई ट्रैक रहा होगा जो मुझे घर जा के पता चलेगा। बट आई थिंक मैंने दोनों के साथ अच्छे से दोस्ती निभाई। अब देखना ये है कि घर के बाहर वो लोग दोस्ती निभाते हैं। आपको काफी इफेक्ट किया, आपने देखा कि उसने आपको काफी इफेक्ट किया, उसके बाद आप काफी बार रोए, क्या और आपके आपके फैंस कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बायस थी, आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बायस थी, क्या आप पे अटैक्स हो रहे थे, ऐसा फैंस का मानना था और आप काफी इमोशनल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या कहना चाहोगे? तो बेसिकली अभी तक मैंने सिर्फ यू नो मूवीज के लिए, मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज के लिए इंटरव्यू करा है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, मैं एक्चुअली घर के अंदर डांस वांस करी थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस करी थी। मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि यू नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, एक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और ये सब। बट जब वहाँ पे ढिशक्या और क्वेश्चन आने लगे, मैं तो डर गई। एंड जो विक्की भाई के लिए क्वेश्चन आए, मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया। एंड आई थिंक मैं बहुत लो हो गई, बिकॉज रियली विक्की भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी। क्योंकि जब मुनव्वर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, जब उनके बाहर के रिश्ते आए, तो विक्की भाई, ईशा, समर्थ वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफ़ियाँ पीते थे एंड यू नो चाय बनाते थे। तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था एंड अपने लिए भी लग रहा था कि यार, मतलब नॉर्मल सी बात को इतना अजीब तरीके से बाहर जा रही है। तो आई थिंक मैंने पहली बार हमेशा मीडिया में अपने लिए बहुत सारा प्यार ही देखा है, इवेंट्स पे पोस्ट करते हुए, जैसे मैं अभी करी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बिकॉज दिस इज़ अ जनरल थिंग विच आई हैव सीन, बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो आई वाज, शायद मैं रेडी ही नहीं थी। शायद मैं पहले का बिग बॉस देखती और पता चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हार्ड हिटिंग होती है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक प्रेस, दे वर एक्चुअली लाइक हार्डकोर फैंस ऑफ बिग बॉस। तो शायद मैं बहुत ड्रेन्ड हो गई थी। अगले दिन मैंने कहा हाय, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सो बट या अंकिता